श्रोताओं, अभी हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनकी बातें सुनकर ही आपको ये अंदाजा हो जाएगा कोविड-19 जैसी महामारी का आपदा प्रबंधन कितने कुशल हाथों में है और हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश कोरोना को जल्दी ही हरा देगा। ये शख्सियत है मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री DC सागर। जब आप आपदा प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियों का नेतृत्व करते नजर आते हैं तो उपस्थित सभी लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सागर साहब अपने पूरे अमले के साथ प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का काम बहुत ही मुस्तैदी से कर रहे हैं। अपने काम के प्रति उनका समर्पण उनकी आवाज और अंदाज में स्पष्ट सुनाई देगा। श्री सागर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ साथ युवा पीढ़ी को भी उनके मसलों को हल करने में सदैव मार्गदर्शन देते रहते हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में भी जिस शिद्दत के साथ वो जीतना चाहते हैं वो उनके साथ की गई इस बातचीत में आप भी महसूस करेंगे। हमने जब प्रदेश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कामों के बारे में उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताई। आइए आप भी सुनिए ये बातचीत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश श्री DC सागर से। सर नमस्कार, आपका हमारे मध्य प्रदेश के तमाम श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस अवसर के लिए। ये जिस तरह की आपदा आई है, जिस तरह की परेशानी कोरोना लेकर के आया हम सबके लिए, अभी तक के अनुभव से बिल्कुल अलग हटके कुछ नए कुछ अलहदा है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं आपके निर्देशन में ये सब हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं सर इस दिशा में। नहीं जी, क्योंकि एक तरह से वैश्विक महामारी है ये, इसमें जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होनी चाहिए और हो रही है वो, क्योंकि जिले में या स्टेट में इंसिडेंट कमांडर के रूप में जिला कलेक्टर होता है, तो उसके अधीन ये जितनी भी सर्विसेज हैं इनका पूरा संग्रहण, इनका पूरा संचालन, इनका पूरा देखरेख मॉनिटरिंग होती है। अब जहां तक जिस विभाग में मैं हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी मैं ADG डिजास्टर मैनेजमेंट हूँ, हमारे जो अधिकारी हैं वरिष्ठतम अधिकारी DG होमगार्ड सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये जो हमारे पास में फोर्स है ये होमगार्ड का है प्लस SDERF है, स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये दोनों ही तरह के जो फोर्सेज हैं, इन फोर्सेज बहुत ही बहादुर फोर्स हैं, इन फोर्सेज को जिले के जो वहाँ के कलेक्टर्स हैं SPs हैं उनको तरह तरह की ड्यूटीज के लिए दिया हुआ है। अब ये फोर्स जो है ना उनके विवेक अनुसार कई जगह पर अस्पताल के बाहर सुरक्षा में, क्वारंटीन वार्ड के बाहर सुरक्षा में, आइसोलेशन वार्ड के बाहर सुरक्षा में, और कई बार कई जिलों में ये जो पेशेंट्स की सूचना आती है तो वहां पर टेस्टिंग के लिए जाते हैं, तो उनके साथ में पुलिस के हमरा ये SDERF के जवान, होमगार्ड के जवान ये जाते हैं, कुछ जगह हमारी एम्बुलेंस भी लगी हुई है। तो ये जो हमारा जो एक जो ट्रेंड फोर्स है ये अपनी ड्यूटी अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर जैसे सभी दे रहे हैं, डॉक्टर सर्वोपरि है, नर्सेस हैं, वार्ड बॉयज हैं, और जो हेल्थ का अमला है वो है, प्लस पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी हैं, तो सब मिलके अपनी अपनी ओर से जो उनका दायित्व है, जो उनके ड्यूटीज हैं, जो उनका एक्सपर्टीज है, उसका योगदान दे रहे हैं COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, यानी ये संक्रमण को रोकने के लिए। तो संक्रमण को रोकने के लिए ये जो लॉकडाउन है यानी घर के अंदर रहना, इस चीज को सफल बनाने के लिए समय समय पर समझाया जाता है लोगों को कि घर के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, दूरी रखें आपस में, अच्छे किस्म का मास्क हमेशा पहन के रहें जब भी आप पब्लिक में जाएं या फिर आप लोगों की संगत में हैं, और हाथों को निरंतर आप जब जब आप कोई काम करें उसके बाद या उससे पहले दोनों समय उसको धोएं साबुन और पानी से, और साबुन पानी का यदि वहां पर व्यवस्था नहीं है तो वह सैनिटाइजर अपने पास में रखें जिसमें हाथ को शुद्ध करने के केमिकल्स होते हैं, तो उससे हाथ की शुद्धता बढ़ती है और एक डर रहता है कि कोई संक्रमण हाथ से या कोई हमने चीज उठाई, जैसे मान लीजिए आपने टेलीफोन उठाया और वो उसमें और लोग भी बात करते हैं तो वो संक्रमण उसे फैल सकता है, तो इसलिए फोन को भी सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ को भी सैनिटाइज करना चाहिए। और इसके साथ ही जो एक सर्वोपरि चीज है वो ये है कि हर व्यक्ति को अपने अंदर संक्रमण से लड़ने की जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर जो है, उसको सुदृढ़, उसको बलवती, उसको विकसित करना पड़ेगा। और उसके लिए दो ही चीजें हैं कि आप अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए जिसमें मिनरल्स हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो,
समय पर खाइए और पर्याप्त खाइए, और साथ ही आप दिन में एक बार या दो बार वर्जिश जरूर कीजिए किसी भी प्रकार की, चाहे वो योगा है, चाहे वो आप घर में पुशअप्स कर रहे हैं या और भी कोई, मान लीजिए आप डांस ही कर रहे हैं, कोई क्लासिकल जानता है, कोई जुम्बा जानता है, या वैसे भी आप यदि हाथ पैर पीटी की तरह हिला लेंगे तो भी इसमें पर्याप्त मात्रा में आपका जो वर्जिश का एक दृष्टिकोण है उसमें सफलता मिलेगी आपको। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो जनता है जो ध्यान दे रहे हैं उनको सफलता मिल रही है। जैसे कुछ लोग संक्रमित हुए, उन्होंने अपनी ओर से भी इच्छा की, इच्छा शक्ति उनमें हुई कि हम अपना टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद में वो यदि पॉजिटिव एडमिट हुए, वहां पर चिकित्सा उनकी हुई, डॉक्टर्स ने देखभाल की, नर्सेस ने देखभाल की, और वो वहां से ठीक होकर सफलता से हेल्थ गेन करके वापस आए। वो यानी ये जो उनकी यात्रा रही, ये यात्रा वो सफलतापूर्वक इसलिए इसमें सफल रहे कि उनके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो पावर डेवलप हुई, उनमें इच्छा शक्ति हुई, उनमें पॉजिटिविटी आई अंदर से। तो जो जनता है वो इस चीज को बिल्कुल ध्यान दे कि हम यदि खुद ऐसे कुछ देखते हैं कि लक्षण है या फिर हम किसी के संपर्क में आए हैं तो अपने आप जाकर बताया जाए, बजाय इसके कि कोई ढूंढ के बताए कि साहब वो फला व्यक्ति इस तरह से संक्रमित है या इस तरह से बीमार है, उसको जाकर फिर जाए वहां पर डॉक्टर्स पुलिस की टीम के साथ जाए, एसडीआरएफ की होमगार्ड टीम के साथ जाए और फिर ऐसी स्थिति निर्मित हो। तो अपने आप ही एक जवाबदार नागरिक होने का परिचय देना चाहिए, अपने हित में भी, अपने परिवार के हित में और सभी के हित में। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको, यदि आपने सारे एहतियात बरते हैं तो वो आपको आसानी से चिपक जाए जी। तो हमको उसे लड़ने के अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक योद्धा के रूप में, एक मंझे हुए योद्धा के रूप में पूरी तैयारी करके रखिए। आपके मास्क पहनिए, दूरी मेंटेन कीजिए, हाथ धोइए, अच्छा खाना खाइए, वर्जिश कीजिए और अनावश्यक पंचायत मत लगाइए। जैसे जनरली लोग चौराहे पे खड़े हो गए, बहुत गलत बात है। लॉकडाउन मतलब आप घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, दूरी बना के रखिए और राजी खुशी रहिए, और अपने जो और जो सगे संबंधी है उनसे आप टेलीफोनिकली अपने जो रिलेशन है, अपने जो संबंध है, जो वार्तालाप है उसको दोबारा से आप नवीनीकरण कीजिए और फिर से साधुवाद बढ़ाइए, भाईचारा बढ़ाइए। ये सब चीजें राहत देती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि पॉजिटिव और सकारात्मक हमको आपके विचारों से शक्ति मिली है और हमारे सुनने वालों को भी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक चीज और प्रमोद जी, ये जरूर, वो ये है कि जो हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उनको भी ये जरूरत है कि वो मास्क और हाथों को धोना जी, पीपीई जहां जरूरत है वहां पूरा ओवरऑल पीपीई पहनना। जैसे आप यदि आपकी ड्यूटी एम्बुलेंस में लगी है, हेल्प के लिए लगी है, तो आप पीपीई पहन के ही सामान वहां या फिर पेशेंट के साथ में आप रहिए। और दूसरी चीज ये कि जो हमारे पुलिस के अधिकारी जिन्होंने शहादत प्राप्त की है इसमें, इस कोरोना के महामारी के युद्ध में, उनको मेरा सादर नमन और श्रद्धांजलि, और उनके परिवार को ईश्वर संबल दे। और जो अधिकारी हमारे, इवन कुछ हमारे अधिकारी भी संक्रमित हुए तो उन्होंने भी पूरी इच्छा शक्ति और पूरे दृढ़ निश्चय से अपना इलाज करवाया, आज वो भी स्वस्थ हैं। जो लाइनें कहूंगा, जिंदगी जीने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी जीने को तो जिंदगी पड़ी है, पहले वो लम्हा संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है। तो ये जो लम्हा है ये हम बहुत ही नाजुक है, इसमें हमको सबको मिलकर एक सामूहिक रूप से युद्ध करना है, तरीके से करना है। जो 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 अपने को शासन ने गाइडलाइन दी है हेल्थ की, उसको ध्यान में रखना है, लॉकडाउन का पालन करना है और अपने आप को बचा के रखना है और दूसरों की मदद भी करनी है हमको इसमें। तो इन्हीं शब्दों से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अवसर दिया। थैंक यू, जय हिंद। तो साथियों, ये थे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आपदा प्रबंधन श्री DC सागर। तो लगाना आपको भी इनकी बातों से कि किस प्रकार से पूरा अमला, आपदा प्रबंधन का अमला, हम सब लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात है और ऐसे नेतृत्व में काम कर रहा है कि हम यदि इनकी बातों का पालन भर कर लेंगे तो हम इस जंग को जीत जाएंगे।